आज मम्मी को बुखार है और नीचे काम चल रहा है। इसमें पचफोरन, सरसों का फोरन और सूखी मिर्च पड़ी है। आम काट ली है चाची यहाँ पे और पानी में डाल दी है कश निकलने के लिए। कश निकल जाता है तो गुरम्मा काफी अच्छा लगता है। पुट्टी मिस्त्री आए हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं नींबू वाली चाय बना रही हूँ। गाय वाली दूध फट गई थी तो वही नींबू की चाय मैं बना रही हूँ। तो पूजा घर में यहाँ पर पुट्टी का काम चल रहा है, कल इसकी घिसाई होगी। यहाँ दो लेबर लगे हुए हैं काम पे और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है पुट्टी होने के बाद, वही मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर आम को उबाल लिया गया है, पकने में आसानी रहता है और मैं इसे हाथ से छू रही हूँ, पल्प पूरा पक चुका है। कढ़ाही में तेल डाल दी हूँ और इधर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ाही में मैं फोरन डाल दी हूँ जिसमें राई है, जीरा, मेथी, सौंफ, सूखी मिर्च और तेजपत्ता सबको डाल दिया है और ये धीरे धीरे लाल हो रहा है। अब ये लाल हो चुका है और जो आम उबाल के रखी हूँ उसको इस कढ़ाई में डाल दूँगी। आम को फोरन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अब बारी है नमक डालने की, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसमें नमक डाला जाता है। आप इसमें अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नारियल का गरी डाली हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिला मिला के धीरे धीरे पकाना है। उबले हुए आम को तब तक पकाना है जब तक कढ़ाई में इसका पानी सूख ना जाए और इसे मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। अब बारी है मेन इंग्रेडिएंट्स की, जो कि मैं गीला वाला गुड़ यूज कर रही हूँ। अभी मार्केट में गीला वाला ही गुड़ मिल रही है तो वही मैं गुड़ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैं 1.5 किलो कच्चे आम का गुरम्मा बनाऊंगी जिसमें कि 1 किलो गीले गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गुड़ इसमें पूरा मेल्ट हो चुका है और ये धीरे धीरे पक रहा है और इसकी खुशबू धीरे धीरे निकल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गुरम्मा यहाँ बनकर रेडी हो चुका है और खाने के लिए तैयार है। सो गाइस, ये है सेकंड कोट लग चुका है यहाँ पे आज गाइस। एज यू कैन सी, ये कल से ज़्यादा फ्लैट लग रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पे पूरा आज सेकंड कोट हुआ था, दैट्स व्हाई। तो उसके बाद पॉलिश तक रुकते हैं। गाइज एज यू नो, मम्मा मतलब मम्मी को बुखार है गाइज। ये आईलाइनर नहीं है, काजल है।
और यहाँ पे एलोवेरा, इधर तीनों साइड एलोवेरा लगा है। ये हिबिस्कस, आई मीन सॉरी, इसे क्या, यस हिबिस्कस ही बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं। आज थोड़ा सा वेदर खराब है, आई डोंट नो हाउ। सो आज मम्मी को बुखार है और नीचे काम चल रहा है, तो अभी मैं छत पे आई हूँ योगा करने के लिए, एंड देन योगा करके नीचे जाऊंगी। गाइस काजल है, मैं ये दो बार बताऊंगी क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेकअप पेटी हो, लेकिन ये काजल मम्मी लगा देती, मैंने खुद से लगाया। तो गाइस ये दोपहर का टाइम है, चावल दाल तो मैं बना ली हूँ, अभी चोखा बना रही हूँ। आज चोखे में मैं कच्चा प्याज मिर्ची का बनाऊंगी, तो वही मैं प्याज मिर्ची काट रही हूँ। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, आम की गुरम्मा? तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।